ये एंटी कन्वर्जन लॉ आया है, उसे लव जिहाद लॉ भी कहते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो लॉ है उसे मिसयूज़ किया जा रहा है। जो लड़कियाँ, जो हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ शादी करना चाहती है, विलिंगली शादी करना चाहती है, समाज उसे पहली बात तो करने नहीं देता, और जब वो हिम्मत करके करना भी चाहती है तो अब इस लॉ के तहत उसे और भी सबजुगेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, लड़के को जेल में डाल देंगे। ये सब सबको पता था कि ये होने वाला है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बहुत से राज्यों में ये एंटी कन्वर्जन लॉ को मिसयूज होने का डर है। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि कन्वर्जन होना ही क्यों चाहिए, पर ये तो संविधान में है कि नहीं, लेकिन मैं देखता हूं कि कहीं कहीं तो सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला चलाया जा रहा है देश में। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, यह रुकना चाहिए। पर जहां तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, मुस्लिम समाज के अंदर जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि उसमें कहीं पर कोई कमी हो कि शायद दूसरे धर्म के लोगों से मुस्लिम समाज के लोग शादी नहीं कर सकते, तो शादी करने के लिए कन्वर्जन कराना, मैं समझता हूं कि इसे मैं व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं मानता हूं। पर उसका हक होता है, मतलब अगर कोई करना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता, और कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां पर लड़की कन्वर्ट नहीं करना चाहती और हो भी नहीं रहा। आपने बहुत सारे मामलों को देखा होगा कि फोर्सफुली जबरन लालच देकर भी धन परिवर्तन कराया जाता है, कहीं कहीं ऐसे भी मामले आए हैं। जब ऐसे ये इसके इस दोनों को स्वाभाविक रूप से शादी होना और जबरन अथवा लालच देकर धर्म परिवर्तन करा के शादी करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और मैं समझता हूं सरकारों ने जो कानून बनाया है इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया है। जब ऐसे केसेस आते हैं सर, तो फिर वो जो इमेज होता है बीजेपी गवर्नमेंट का कि एक जबरन हिंदुत्व पॉलिसी जो है, एक हिंदू धर्म को आगे बढ़ाकर दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना, ये एक पॉलिसी मैटर है, कहीं नहीं समझा जाता, कहीं नहीं। मैं तो यह मानता हूं जो सच्चा हिंदू होगा वह जाति पंथ अथवा मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।